ग्राम कथरी से शहडोल पहुंची 15 वर्षीय बालिका कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। ग्राम कथरी को सील कर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है एक एक घर की जांच। जी हां, नगर से लगभग 13 किलोमीटर ग्राम कथरी में फरवरी माह में शहडोल से फसल काटने आए 19 मजदूर जब वापस अपने गांव पहुंचे तब उनका परीक्षण होने पर 15 वर्षीय एक बालिका कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्राम कथरी एवं आसपास के एक एक गांव में जांच की जा रही है, साथ ही कोरोना की चेन का पता लगाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी गांव में कुछ युवक प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट कहे जाने वाले इंदौर से भी आए थे। इनमें से कुछ युवकों की तबीयत बिगड़ने पर विदिशा जिला अस्पताल भी रेफर किया गया था, जहां इनका जांच होकर क्वारंटाइन किया गया है। मजदूर लड़की के संक्रमित होने से पूरा प्रशासन सकते में आ गया है। अभी पूरे गांव की जांच के उपरांत संदिग्ध नागरिकों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। जब तक सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, इस गांव के आसपास 3 किलोमीटर तक का पूरा इलाका सील किया गया है। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में किया जाएगा, उसका एक निर्धारण किया जाएगा, बफर जोन भी बनाया जाएगा, कंटेनमेंट हॉट स्पॉट भी बनाया जाएगा। तो संभवतः वो जहाँ जहाँ गए थे उस चीज़ को सील किया जाएगा और जिन जिन के कॉन्टेक्ट में आए थे उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उनकी कुछ जानकारी है? हाँ, अभी कटनी से भी आए हूँ कुछ 5 लोग जो कथरी में रुके हुए हैं गाँव में, उनके संबंध में भी जानकारी निकाली जा रही है। और अन्य लोग गाँव से बाहर के लोग जो गाँव में आते थे वो इन लोगों के संपर्क में थे या नहीं, ये इस चीज़ के संबंध में जानकारी निकाली जा रही है, ताकि उस पे हम उनको होम क्वारंटाइन या फिर उनका सैंपलिंग कार्रवाई की जा सके। कल रात में जानकारी प्राप्त हुई है कि शहडोल के कुछ लोग थे जो शहडोल वापस पहुंचे हैं मजदूरी करके, यहाँ पे जो आए थे फरवरी में आए थे 27-28 फरवरी को, उनमें से एक बच्ची 15 साल की जो है वो पॉजिटिव निकली है शहडोल में। तो अब उसकी जानकारी के लिए कि यहाँ पे वो लोग कितने दिन रहे, कौन कौन लोग उनके कांटेक्ट में आए और क्या क्या उन्होंने काम किया, कितने लोगों के संपर्क में रहे, उसकी जानकारी के लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल, सैंपल लिए जाएंगे, जो भी नज़दीकी लोग रहेंगे और जिन्हें सिम्टोमेटिक कुछ भी लक्षण पाए गए जाएंगे उन सब के सैंपलिंग की जाएगी। नहीं, कंटेनमेंट एरिया हमें बनाना होता है 1-3 किलोमीटर के रेडियस में, उसमें हम जो है कोर ग्रुप बनाएंगे, बफर जोन बनाएंगे और वो सारी एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगी।